नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। थर्मल के भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया और वृक्षारोपण किया। बताते चलें कि जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं बोकारो में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। बोकारो में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले उनके फोटो पर माल्यार्पण किए, उसके बाद उनकी याद में पेड़ लगाए गए। बोकारो में भाजपा के जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि उन्हें देश की अखंडता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कश्मीर के परमिट को तोड़ा, जहां अलग विधान अलग निशान की व्यवस्था थी, जिनको तोड़ते हुए वो कश्मीर में प्रवेश किए। तब के फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, जहाँ 23 जून 1953 को उनकी संदेहास्पद मौत हो गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके सपनों को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया और धारा 370 को समाप्त कर एक विधान निशान के रूप सपनों को साकार किया। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आप जानते हैं कि कश्मीर में जो परमिट सिस्टम था, वहाँ अलग विधान अलग निशान अलग प्रधान की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को हटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस परमिट को तोड़कर कश्मीर में प्रवेश किए, जहाँ पर उनको शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार किया और जेल में डाला। और 23 जून 1953 को एक रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। आज पूरे देश में, पूरे झारखंड में, पूरे बोकारो जिला में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोगों को इस बात का गर्व है कि जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। कश्मीर में धारा 370 हटा करके उनके सपनों को साकार किया है और आज कश्मीर पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।